हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेरेस गार्डनिंग में। और आज के इस वीडियो में गाइस, मैं आज अपने क्रोटन के बारे में बात करने वाला हूँ। मैंने उसको नर्सरी से लाया था, तब का ही वो चल नहीं रहा है, उसकी ग्रोथ ही आगे नहीं बढ़ रही, तो मैंने उसको निकाल दिया है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको पूरा प्रोसेस, वीडियो में बने रही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं। सो गाइस, ये मेरा क्रोटन देख सकते हो, ये दो प्लांट थे मेरे पास, ये दो, तो मैंने इनको पानी में भिगो दिया है। इनकी मिट्टी भी थी साथ में थोड़ी थोड़ी, तो मैंने इनको अब निकाल दिया है। ये बिल्कुल ही इसको निकाल के, ये दो प्लांट हैं, मैंने इनको अलग अलग कर दिया। चलिए इधर देख लेते हैं गाइस, हमने इसमें बराबर मात्रा में खाद और सेंड और मिट्टी यूज़ लिए बराबर मात्रा में। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सेंड और कुछ नहीं। चलिए हम इसको इसमें भरते हैं, दो ठीकरी लगा के सबसे पहले। तो गाइस, मैंने इसमें ठीकरी लगा लिया, मैं इसमें मिट्टी भरूंगा। गाइस, मैं कब का देख रहा हूँ, मेरा क्रोटन आगे ही नहीं बढ़ रहा था। मैंने सोचा अब चलेगा, लेकिन वो नहीं चला। मेरे पास इसमें दो प्लांट थे, दो ही लग रहे थे, लेकिन अब मैंने इनको अलग अलग कर दिया है। ये आप देख सकते हो, ऐसे हमें इसको जमा देना है और इसमें मिट्टी डाल लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये इस बार ज़रूर से चल जाएगा। तो इसको थोड़ा पटक लेंगे ताकि एयर पॉकेट निकल जाए इसके। इसको एक आधा इंच के लगभग हम इसको खाली रखेंगे पानी डालने के लिए। सो ये आप देख सकते हो, मैंने इसको लगा, इसका रिजल्ट में भी मैं दिखाऊंगा, इसको देख लेना। अब मैं बचा भी लूँगा, इसमें कोई भी लिप्स वगैरह नहीं है। ये दो लिप्स दिख रही ना, इनको हम काटेंगे क्योंकि इधर से नोड नहीं निकलेगे, नोड ये निकल रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ये नोड निकल रहा है यहाँ से। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। एक गमला ये है हमारे पास, इसमें हम ये कॉटन का कपड़ा बिछा देंगे और इसमें मिट्टी डालेंगे हम। ये मिट्टी डाल दी मैंने, मिट्टी डालने के बाद आप वीडियो में बने रहिए, मैंने आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ऐसे ऐसे करना। गाइस, आप कोई भी नर्सरी से बुलाते हैं पौधा, तो आप प्लांट को सबसे पहले पानी में डिप कर दे, ताकि उसकी चीकनी मिट्टी रहती है ना, तो वो निकल नहीं पाता है, जड़ों से टूट जाती है, जड़ें साथ ले जाती है मिट्टी। तो आप ये ज़रूर करिएगा। इसको लगाने के बाद हमें इसमें मिट्टी डालेंगे। इसमें मिट्टी डालने के बाद हमें इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे, ज़्यादा नहीं करना वरना जड़ें दब जाएंगी, तो इसके चलने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे। तो ये हमने इसको भर दिया है। तो ये आप देख सकते हो, हमें क्या करना है अब, तो इसका हमें नीचे से पानी तो नहीं जाएगा, बट ये ही पानी डाल देते हैं हम इसमें।
ये हमने इसमें पानी डाल दिया है, आप देख सकते हो। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।